हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडिया पाकिस्तान। दोस्तों, जहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी यानी कि खबर और एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर आप भी सऊदी अरब में रहते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक अपडेट ये आई है कि सऊदी अरब में आप डिजिटल जो कार्ड होता है आईडी कार्ड, वो अब वहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। वैसे अगर आप अबशर एप्लीकेशन को अबशर के इस तरह कुछ नाम है, अगर वो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप डिजिटल आईडी कार्ड वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये गैर मुल्कों के लिए, जो यानी कि सऊदी अरब से गैर मुल्की वहाँ पर जो पाकिस्तान है या जो भी कुछ लोग रहते हैं वो, ठीक है। तो इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है तो आपको अबशर पर भी आपको एक डिजिटल आईडी कार्ड वहाँ पर भी आपका एक आ जाएगा, जैसा कि आपका एक नॉर्मली कार्ड होता है जो आपके जेब में होता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप अपना कार्ड भूल चुके हैं तो वो जो डिजिटल एप्लीकेशन वाला कार्ड है वो आप किसी भी सिक्योरिटी इदारों वगैरह को दिखा सकते हैं और वो आपका काबिल कबूल किया जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आपको इस चीज़ के बारे में अभी तक इलम नहीं है तो आपको इस बारे में अब इलम हो जाना चाहिए कि अब आप डिजिटल कार्ड भी बना सकते हैं अबशर एप्लीकेशन में से। तो आज ही जाकर बना लें ताकि आप कहीं भी बाहर निकलें और आपको अपना ओरिजिनल जो आईडी कार्ड, अगर वो आप रूम में भूल जाते हैं तो बाद में आप जो एप्लीकेशन वाला डिजिटल कार्ड है वो आप किसी भी सिक्योरिटी इदारे को दिखा सकते हैं या किसी भी जगह पर आप जा रहे आपसे कुछ यानी कि छुट्टे वगैरह अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो वो आप वहाँ पर यानी कि उनको या पुलिस ही इस तरह से होती है, वो भी आपको वो कार्ड देखेगी तो वो भी आपका कार्ड एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो ये सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा ऐलान किया है। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, अच्छा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज़।